हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं न्यू ओवल्टे की यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी गुड न्यूज है क्योंकि फाइनली टाटा की तरफ से आ चुकी है बिल्कुल सीधी वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए। बिकॉज फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि इस साल 2022 की बंपर वैकेंसी है। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। यानी कि दोस्तों, 10वीं क्लास पास से करके 12वीं क्लास और ग्रेजुएट पास, ये सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं टाटा की इस वैकेंसी के लिए। दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन फाइनली जारी हो चुका है और आपको बता दें, एक नहीं दो नहीं टोटल तीन नोटिफिकेशन यहां पर जारी हुए हैं टाटा की तरफ से। कंप्लीट जानकारी आपको देंगे, जैसा कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल है, आवेदन कब से कब तक चलेंगे और किस प्रकार आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, सारी जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि आप सभी से शिकायत है कि आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वैकेंसी के बारे में पता चले, वो भी अप्लाई करें, वो भी सिलेक्शन पा सकें। और रोजाना इसी प्रकार नई वैकेंसी की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे से लाल बटन को दबाएं, साथ ही साथ घंटी का बेल आइकन जरूर दबाइएगा और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि 18,000 से अधिक वैकेंसी यहां पर जारी हो चुकी है, बंपर वैकेंसी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां पर तीन रिलीज कर दिए गए हैं जिसकी स्टेप बाय स्टेप हम आपको पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, सभी कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है तो सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल के साथ साथ फीमेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकती हैं। वहीं दोस्तों, क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं साफ साफ बताया गया है 10वीं क्लास पास से लेकर के 12वीं क्लास और एनी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, एज लिमिट जो है यहां पर कम से कम 18 साल है, मैक्सिमम जो है 40 साल है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी एज है 18 से 40 साल तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। ऑल ओवर इंडिया की ये जॉब है, मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है। चलिए, बाकी सभी जानकारी के लिए सीधा आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वैकेंसी की पूरी जानकारी और अप्लाई करने का लिंक मिलेगा आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि नंबर वन वेबसाइट है tipsworldbuzz.xyz पर। दोस्तों, यहां पर आप जाकर के वैकेंसियों की डिटेल्स में जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारी जो सेकंड नंबर की वेबसाइट है वो है neovoltaic.co.in, यहां पर भी आप जाकर के नई वैकेंसी की अपडेट ले सकते हैं। डेली बेसिस पे यहां पर नई वैकेंसी की अपडेट आपको दी जाती है। तो आज ही इन वेबसाइट पर जाएं, जानकारी लें और अप्लाई करें। आप चाहें तो गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि टाटा मेटेलिक्स की तरफ से नई वैकेंसी है। दोस्तों, टाटा की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है, यहां पर थ्री टाइप्स ऑफ वैकेंसी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पर जो पोस्ट है, नंबर वन पोस्ट है ऑफिसर की, वहीं सेकंड नंबर की पोस्ट है डिप्लोमा ट्रेनी और सुपरवाइजर की, थर्ड नंबर की पोस्ट जो है अप्रेंटिस इंडस्ट्रियल ट्रेनी वर्कर की पोस्ट है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर जो है ग्रुप डी से ग्रुप ए तक की वैकेंसी है, टेक्निकल से नॉन टेक्निकल पोस्ट पे वैकेंसी है। काफी सारी वैकेंसी यहां पर रिलीज की गई है। अप्लाई केवल आपको फ्रेंड्स ऑनलाइन ही करना होगा। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। वहीं दोस्तों, सैलरी आपको एज पर रूल्स मिलेगी, हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी का क्राइटेरिया है। वहीं दोस्तों, एज लिमिट जो है कम से कम 18 साल है, मैक्सिमम जो है एज पर नॉर्म्स है। एप्लीकेशन फीस जो है बिल्कुल फ्री है सभी कैंडिडेट्स के लिए, चाहे वो जनरल का हो, एससी का हो, ओबीसी का हो, एसटी का हो, सभी कैंडिडेट्स फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यही है कि क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है। 10वीं क्लास, 12वीं क्लास, एनी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी और एज सून एज पॉसिबल लास्ट डेट है। ये रहा लिंक अप्लाई करने का। अब आपको बताते हैं अप्लाई कैसे करना है इस वैकेंसी के लिए। दोस्तों, आपको जस्ट यहां पर क्लिक करना है, आप सीधा नए पेज पर आ जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, टाटा मेटेलिक्स का ये करियर पोर्टल है, यहां पर आप आएंगे तो आपको तीन वैकेंसी मिलेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है ऑफिसर्स का है, यहां पर आपने जैसे क्लिक किया तो आपके सामने पूरी की पूरी नोटिफिकेशन आ जाएगी। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर की वैकेंसी है और यहां पर आपसे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, यहां पर जो है क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। आप देख सकते हैं, यहां पर आपका रिटर्न एग्जाम होगा, आपका साथ ही साथ इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, तो रिटर्न एग्जाम आपका तीनों ही पोस्ट के लिए लिया जाएगा। बाकी हेल्पलाइन नंबर यहां पर दे रखी है, यहां पर भी आप कॉन्टेक्ट करके इस वैकेंसी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहीं दोस्तों, सेकंड नंबर की जो वैकेंसी है आप देख सकते हैं, डिप्लोमा ट्रेनी की है सुपरवाइजर की, यहां पर भी डिटेल्स में आपको जानकारी दे रखी है, पूरी जानकारी आप यहां से ले सकते हैं। वहीं दोस्तों, थर्ड नंबर की जो पोस्ट है वो आप देख सकते हैं, तीसरा नोटिफिकेशन ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों, यहां पर आपको कंप्लीट जानकारी देखिए, तीनों नोटिफिकेशन यहां पर है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं, नीचे आप आएंगे तो अप्लाई करने का बटन भी दिया गया है, यहां पर आपको जस्ट क्लिक करना है, आप सीधा नए पेज पर आ जाएंगे। और दोस्तों, आपको यहां पर दो ऑप्शन मिलेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन या फिर लॉगिन। अगर आपने पहली बार यहां पर विजिट किया है, अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया है, तो आपको अप्लाई ऑनलाइन न्यू कैंडिडेट्स के लिए यहां पर ब्लू कलर का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपने अकाउंट बना लिया है तो यहां पर लॉगिन करना है।
करना है। लेकिन सबसे पहले आपको करना है नंबर वन पर क्लिक, और यहां पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ही ऑनलाइन फॉर्म आ जाएगा। दोस्तों इस ऑनलाइन फॉर्म को आपको भरना होगा, कैसे भरना है चलिए आपको बताते हैं। तो यहां पर आपको करना है क्या है, अगर आप फ्रेशर्स हैं, अगर आपके पास में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ये सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी, जेंडर क्या है आपका वो आपको सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपकी कम्युनिटी क्या है, एससी एसटी जो भी आपकी आती है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज आप इसे नो कर दीजिएगा। ईमेल आईडी क्या है, अल्टरनेट ईमेल आईडी क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, दूसरा मोबाइल नंबर क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं वो आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा। आपके पिताजी का नाम क्या है, आपका जो भी आईडी कार्ड है, आधार का है, पैन कार्ड का है, वोटर कार्ड का है, ड्राइविंग लाइसेंस का, जो भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में यहां पर नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी एड्रेस है वो आपको यहां पर देना है, पूरा एड्रेस देना होगा, सेलेक्ट करना होगा कौन से स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं, यहां पर कौन से स्टेट से अप्लाई करने के बाद में आपको यहां पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, पिन कोड देना होगा, पूरा का पूरा परमानेंट एड्रेस भी आपको यहां पर देना होगा। अगर आपका ये जो है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के बराबर ही आपका सेम है तो आप चेकबॉक्स को राइट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन है, 10वीं पास से लेकर के 12वीं पास, आईटीआई डिप्लोमा डिग्री जो भी है वो आप यहां पर स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर दीजिएगा। आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यस कर दीजिएगा, अदरवाइज आप इसे नो कर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स में आप देख सकते हैं यहां पर आपके फोटोग्राफ अपलोड करने हैं, 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जो भी आपके पास में डिप्लोमा आईटीआई है जो भी आप अपलोड कर दीजिएगा, आईडी प्रूफ देना है, कास्ट सर्टिफिकेट देना है, उसके बाद में आपका रिज्यूमे अपलोड करना है और कैप्चा कोड जो दिख रहा है आपको वो टाइप करना है और यहां पर आपको चेकबॉक्स को राइट करके सबमिट करना है। सिंपली आपको इसी प्रकार अप्लाई करना होगा। उसके बाद आप लॉग इन करके भी स्टेप बाय स्टेप एक वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको टाटा की इस वैकेंसी की अपडेट दी है। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई भी सवाल है तो कमेंट कीजिएगा, और आप किस सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके अपने सिटी का और अपने अपने अपना नाम जरूर टाइप कीजिएगा, ताकि आपके आसपास की जो भी नई वैकेंसी होती है उसकी अपडेट आपको सबसे पहले दी जा सके। और इसी प्रकार रोजाना नई वैकेंसी की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और घंटी का बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।